We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. Your cell phone is actually ringing. हम लोग मीडिया अपडेट की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर रामकोट में हैं, तो जहां आज एग्रीकल्चर की तरफ से स्वीप अवेयरनेस कैंप चलाया हुआ है जहां। तो सर आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम संजय आनंद है जी। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं कृषि विभाग में जी। जी आज तहसील रामकोट में तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक स्वीप के अंडर प्रोग्राम किया गया किसानों को इलेक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे पिछली बार 60-70% हुई थी वोटिंग तहसील रामपुर में, और हमारा कोशिश है कि इस बार 100% मतदान हो। इसके लिए इनको जागरूक किया गया, इनको किसानों को बताया गया कि 18 अप्रैल को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो किसी जाति और धर्म के आधार पर वोट ना करें, बल्कि एक योग्य कैंडिडेट को संसद में चुनकर भेजें जो इनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, इनकी आवाज़ को बुलंद कर सके जी। तो हमारे माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जो है वो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहा है। उसने इस बार VVPAT मशीन के बारे में उनको जानकारी दी, जिससे वो जिस वोट कैंडिडेट को वोट डालना चाहेंगे उसका नाम निशान और निशान का भी पता चल सकेगा उनको। उनको मशीन के बारे में कोई शक और गुंजाइश की नहीं रहेगा, और वो उनको प्रैक्टिकली इसके बारे में जानकारी दी गई, और उनको बताया गया कि बुजुर्ग हैं चाहे दिव्यांग हैं वो सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनके लिए चुनाव आयोग स्पेशल उसमें प्रबंध कर रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और भारत और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें। जो विकलांग की आपने बात करी उनके लिए सरकारी तौर पर क्या मतलब फैसिलिटीज दी जा रही है? मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए गए हैं और व्हीलचेयर का भी प्रबंध कर रहे हैं, और बुजुर्गों के लिए जो नहीं आ सकते हैं मतदान केंद्र को, साधन नहीं है उनके लिए, गाड़ियों का प्रबंध भी किया गया है, और पहाड़ी क्षेत्रों में पालकी का भी प्रबंध करने के लिए कहा गया है, चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। पर उन सब के लिए पहले उनको जिला सत्र के अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। किसान तो सर आज कितने किसानों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है? आज लगभग 100 के करीब किसान भाइयों ने इसमें लिया, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें आई हैं, और उनको भी उनके हक के बारे में बताया गया है ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके और भारत को मजबूत लोकतंत्र दे सके। धन्यवाद।